नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रहरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, खोया, ड्राई फ्रूट्स, कुकिंग ऑयल, चीनी पाउडर, पोस्तादाना भुना हुआ, इलायची पाउडर भी अपने दरदरा पिसा हुआ लिया है। और अब हम मैदा को बड़े बाउल में ले लेते हैं और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। मैदा हमने 500 ग्राम लिया है और कुकिंग ऑयल लिया है 150 ग्राम लगभग डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। इस तरह से हाथों में लेके मुट्ठी बनाते हैं, बन जाती है मुट्ठी तो ये इसमें तेल की मात्रा सही है। अब हम इसे गूंथने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह से इसे गूँथ कर आटा तैयार कर लेते हैं। अब हम तैयार करेंगे खोया अपना। खोए में डालते हैं हम भुना पिसा हुआ पोस्तादाना और इलायची को दरदरा पिसा हुआ है। ड्राई फ्रूट्स भी हमने बारीक काटे हुए हैं और पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो साबुत चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आटे की छोटी छोटी पूरियां बना लेते हैं। पूरियों को हमने बहुत पतला भी नहीं किया है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं किया हुआ है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे और पूरियों के किनारे किनारे पहले पानी लगा लेते हैं ताकि इससे चिपकाने में आसानी से ये चिपक जाएंगे इससे, और स्टफिंग डाल के हम इसे चिपकाएंगे इस तरह से। हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से दबा कर चिपका देते हैं ताकि ये खुले ना। और हम इस तरह से इसे एक एक करके मोड़ देंगे इसके किनारों को, और जो गुजिया का बनावट होता है वो हम आपको बता रहे हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये देखिए। और किनारे भी हमें अच्छी तरह से दबा देना है, नहीं तो ये तेल में जाने के बाद खुल जाते हैं। एक और बना के दिखा देते हैं। ये हमने पानी लगा लिया है किनारे किनारे। अब हम स्टफिंग रखेंगे इसमें और इसे हल्के हाथों से पकड़ के दबा देते हैं और किनारों को अच्छी तरह से दबा देते हैं। और ये देखिए, इस तरह से दबा के बस दबाते जाना है आगे की तरफ। और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। हम इसे ऊपर की साइड से भी आपको बना के दिखा देते हैं। आप जैसे चाहें ऊपर से या नीचे से बना सकते हैं। ये देखिए तैयार हो गया है गुजिया। अब हम कुकिंग ऑयल की तरफ चलते हैं और इसमें हमने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और फ्लेम मीडियम रखा है। इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। और ब्राउन होने तक इसे धीरे धीरे पलटते रहना है बीच बीच में। और ये देखिए ब्राउन हो गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। सर्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट के लिए हमने यहाँ पे चाशनी बनाई है और बहुत गाढ़ी चाशनी बनाई है, तो चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा करके इस पर डालेंगे और इस पर स्प्रिंकल्स डाल देते हैं जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं।
ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो रेडी है हमारा होली स्पेशल गुजिया, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।